आप सभी को नमस्कार। आज 239वां रविवार मेरे और दहिया भाई के सहयोग से ये पीपल का पेड़ फिर से उसी पार्किंग एरिया में लगाया जाएगा। तो हम लोग चल रहे हैं, ये वीडियो में आ रहे हैं, इनको हंसी काबू नहीं हो पा रही है इनकी। देखिए पीपल का पेड़ फाइकस स्पेसीज के फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत सारे औषधि गुण पाए जाते हैं इसमें। पीपल का पेड़ देख रहे हैं आप, बहुत ठंडी है, इस वजह से पत्ते इसके मुरझा गए हैं। देखिए ये गगनचुंबी इमारतें, इन गगनचुंबी इमारतों के बीच कुछ पौधे लगाने का प्रयत्न करते हुए पर्यावरण में अपना सकारात्मक योगदान देने के प्रयास में मैं और संदीप दहिया भाई चल रहे हैं पीपल का एक सुंदर सा पेड़ लेके। तो आप भी दो चार पेड़ लगाइए अपने जीवन में, क्योंकि बहुत सारे पेड़ों के बराबर संसाधन का इस्तेमाल तो हम लोग हमेशा से करते ही हैं। और ये हम लोग सोसाइटी के बाहर बढ़ते हुए, ये पीछे पार्किंग एरिया जहाँ पे पहले दो पेड़ लगाए जा चुके हैं मेरे द्वारा, एक बरगद का और एक अर्जुन का, आज तीसरा पेड़ मेरे और दहिया भाई के सहयोग से लगाया जाएगा ये पीपल का। पीपल, बरगद, गुलर और पाकड़, ये सारे ऐसे वैरायटी के पेड़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और इनका लाइफ स्पैन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, 200, 300, 400 साल तक ये ज़िंदा रहते हैं। देखिए हम लोग ये पार्किंग लोकेशन में पहुंच गए हैं। देखिए हथियार भी हमें उपलब्ध हो चुका है, एक कुदाल अर्थात फावड़ा। अब जगह का चयन करना है। और ये जगह का चयन किया जा चुका है पौधरोपण के कार्य प्रारंभ करते हुए मेरे द्वारा, क्योंकि नीचे काफ़ी कंकड़ पत्थर है, इस वजह से दो तीन बार खुदाई करनी पड़ रही है। दहिया भाई वीडियो बना रहे हैं, देखिए पॉलिथीन निकालते हुए पीपल के पेड़ से रखते हुए नीचे, गड्ढा पर्याप्त होना चाहिए जिससे जड़ें ढक जाएं अच्छे से और नीचे हवा ना प्रवेश कर पाए। हवा प्रवेश करने से जड़ें दुष्प्रभावित हो जाती हैं और इनकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अर्थात जमीन से अर्थात नहीं और जमीन से न्यूट्रिएंट अर्थात पोषक तत्वों को अपनी तरफ खींचने की प्रक्रिया जो है धीमी पड़ जाती है। इस परिस्थिति में पौधे के सूखने की संभावना बन जाती है। देखिए दबाते हुए एयर टाइट करते हुए पौधरोपण का कार्य संपन्न होने के बाद पौधे में जलपान कराते हुए अभी पर्यावरण के सहयोगी माने पेड़ लगाएं, पर्यावरण के उन्नयन में योगदान दें ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियां आपकी शुक्रगुजार हों कि आप भी पेड़ लगाए हैं, उनके भविष्य के लिए उनके लिए स्वच्छ वायु और वातावरण का निर्माण करने में अपना योगदान दें, भविष्य की पीढ़ियां आपकी शुक्रगुजार होंगी। आप सभी का धन्यवाद, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग देने के लिए धन्यवाद। पेड़ लगाएँ।